हम लोग बात करें कि कौन सी सेलिब्रिटीज वगैरह यहाँ पर आने वाली, 5 से 6 बजे आपकी एंट्री यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। ऐसे भी यहाँ पर बहुत सारी फंक्शन वगैरह होती रहती है। बेस्ट प्लेस हमारे 3 हम लोग बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। आप लोग को पासेज वगैरह चाहिए होगी ना, तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स का काम था बताना, हम लोग आपको बता दिए। हाँ जी, तो अभी क्या हुआ ना कि पटना का जो हम लोग पंडाल वगैरह का वीडियो डाले ना, तो बहुत लोग का इंक्वायरी आने लग गया कि अभी आप लोग पंडाल तो दिखा दिए हैं, ठीक है, तो साथ में ये बताइए कि डांडिया वगैरह हम लोग खेलने के लिए कहाँ पर जाए। तो पटना में तो ऐसे बहुत सारा प्लेस है जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं डांडिया वगैरह खेलने के लिए, लेकिन बात आती है कि सबसे बेस्ट वाला प्लेस बताइए। तो बेस्ट प्लेस हमारे 3 हम लोग बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा यूनिक गार्डन, ठीक है, एंड सेकेंड अभी हम लोग जाएंगे और थर्ड भी हम लोग जाएंगे, ऐसा कुछ। ये तीनों करीब करीब बराबरी पे आपको सारा कुछ देने वाला फैसिलिटीज वगैरह। बाय द वे, हेलो नमस्कार, मैं हूं सुकृति पांडे और मेरे चैनल सुकृति पांडे पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूनिक गार्डन आपको बता दे कि ये सबसे बेस्ट प्लेस है हमारे पटना का, ठीक है। हर साल यहाँ पर बहुत ही यूनिक वे में अलग अलग थीम के साथ, और देखिए थीम का उतना हमको नॉलेज नहीं है जितना हम लोग अपने टीम के थ्रू पता कर सके हैं आपको बताने में। हमारे वो लोग भी आते हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, वही लोग कमेंट करते हैं, वही लोग हम लोग को बताते हैं। आपको बता दें इस बारी का डेट क्या रहेगा, इस बारी का डेट रहेगा 19 अक्टूबर, ठीक है। और टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें तो ऑनवर्ड हमारा एंट्री यहाँ पर 4 बजे से शाम से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। वैसे तो थोड़ा बहुत लेट होते होते 5-6 बजे जाता है, लेकिन 4 बजे से स्टार्ट होने वाला है। और आपको हम बता दें कि अगर हम लोग बात करें कि चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं, तो IPS विकास वैभव सर को आप जानते होंगे, वो यहाँ पर आने वाले हैं डांडिया नाइट्स के दिन। एंड साथ ही साथ कुछ शायद से पटना के जाने माने क्रिएटर्स लोग भी आने वाले हैं, वैसे हम नाम उतना जानते नहीं है, ठीक है, सिर्फ जितना पता चला आपको बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला। अगर हम लोग बात करें कि फूड की क्या है, तो फूड की जानकारी अभी तक बढ़िया से हम लोग को नहीं हुई है, इसलिए क्योंकि अभी भी ना ऑर्गेनाइजेशन को लेकर थोड़ा बहुत काम चल ही रहा है कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बट फिर भी हम लोग को पता चला है थोड़ा सा शायद से बुफे सिस्टम वगैरह रहेगा एंड सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह यहाँ पर भी रहेगा। हाँ जी, एंड नेक्स्ट वन हमारा ये है, आप लोग देख सकते हैं द न्यू पटना क्लब। यहाँ पर हर साल ही डांडिया नाइट्स वगैरह होता है, वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी फंक्शन वगैरह होती रहती है, सेलिब्रेट होती रहती है, बट डांडिया के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो हम सोचे कि चलो ये भी आपको बता देते हैं। इस साल के बारे में एक थोड़ा सा ना वो है कि लाइक हम लोग अंदर जाकर पता किए हैं तो पता चला है कि अभी तक ना बाकी जो जगह होता है ना वो सब के बारे में तो पता चल चुका है कि कितने बजे होगा, कौन से डेट को होगा, यहाँ के बारे में अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि यहाँ पर कौन से डेट है। हमारा द न्यू पटना क्लब यहाँ पर हमेशा ही हर साल बहुत ही धूमधाम से डांडिया मनाया जाता है। तो ये देखिए अभी पता नहीं तैयारी किस चीज की चल रही है, नहीं पर हम लोग को अंकल जी बताए, आप उधर देख सकते हैं बैठे हुए हैं, उनको भी दिखा दीजिए, अंकल जी बताए हैं। एंड प्लस यहाँ पर एक और भी साइड से इंचार्ज है, क्या है वो हम लोग को बताए कि चांसेस है, बातचीत चल रही है, लेकिन हाँ बाकी प्लेसेस के मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पर अभी तय नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है कि कब होने वाला है, बट हाँ होगा वही अक्टूबर में शायद से 20, 21, 22, ये तीनों में से किसी दिन आपका डेट रखा है। 20, 21, 22 जो आपको बताया है ना उसी दिन होने वाला है, किसी एक दिन यहाँ पर फिक्स होगा। एंड हाँ टाइमिंग वही रहेगी 5-6 बजे से जो एंट्री रहती है वही। हाँ जी, एंड नेक्स्ट हमारा एक ये भी है, महाराष्ट्र मंडल दरोगा प्रसाद राय पथ पटना, यहाँ पर आपका ये पड़ता है, एड्रेस नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग जानते हैं कि रिसेंट में क्या हुआ था, गणेश चतुर्थी, ठीक है, तो बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया था, हम लोग खुद भी आए थे यहाँ पर। तो एक यहाँ पर भी आपका ना हर साल डांडिया नाइट्स मनाया जाता है। हाँ जी, अगर हम डेट की बात करें ना तो 22 अक्टूबर को यहाँ पर डांडिया नाइट्स होने वाली है। और अगर हम टाइम की बात करें, टाइम हमारा वही साइज शाम में 5 से 6 बजे आपकी एंट्री यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। एंड बहुत ही धूमधाम से हर साल यहाँ पर मनाया जाता है डांडिया नाइट्स, इस साल भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और आपको एक चीज हम बता दें, अगर हम लोग बात करें कि कौन सी सेलिब्रिटीज वगैरह यहाँ पर आने वाली है या चीफ गेस्ट, तो पल्लवी गिरी है हमारी एक्ट्रेस है, भोजपुरी एक्ट्रेस, वो यहाँ पर आने वाली है जहाँ तक हम लोग को पता चला है। थोड़े बहुत साइड से कुछ क्रिएटर्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर आओ, इन्जॉय करो, और जो भी पल्लवी गिरी को पसंद करते हो, मिलना है उन्हें या साथ में डांडिया वगैरह खेलना हो, तो वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें स्नैक्स की, स्नैक्स और सारा कुछ जो फूड में होता है क्या मिलने वाला है, तो अभी हम लोग को कुछ खास उतना पता नहीं है, लेकिन शायद से बुफे सिस्टम होगी या स्नैक्स वगैरह आपको मिलेगा नॉर्मल सा, और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आपको अनलिमिटेड मिलने वाला है। तो ये कुछ है यहाँ की जानकारी जो आप तक हम लेकर आ गए। हम लोग का काम था बताना, हम लोग आपको बता दिए कहाँ कहाँ पर होती है डांडिया नाइट्स, वैसे पटना में और भी जगह पर होती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कहाँ पर जाते हैं। बाय द वे आपको बता दें हम कि अगर आप लोग को पासेज वगैरह चाहिए होगी ना, तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक नंबर दी होगी, वहां से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग खुद से समझ लेना क्या है क्या नहीं, आप लोग को कहाँ पर कितने में मिल रहा है पासेज वगैरह। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।